रुको रुको रुको, कल की 2898 एडी मूवी देख ली, मगर पूरी मूवी में ये पता लगा कि प्रोजेक्ट के असल में था क्या? नहीं पता लगा तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आ चुका हूँ कि सुप्रीम यास्किन कली है या इनमें से कुछ भी नहीं है, और प्रोजेक्ट के का मतलब प्रोजेक्ट कल्की है या प्रोजेक्ट करण या फिर प्रोजेक्ट कृष्णा। तो इन सभी सवालों का जवाब देने वालों में इस वीडियो में, तो फिर चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट के ये वो प्रोजेक्ट है जिसको सफल करने के लिए सुप्रीम यास्किन 200 सालों से लगा हुआ है, क्योंकि इस मूवी की स्टार्टिंग में हमको ये बता दिया जाता है कि सुप्रीम यास्किन 200 सालों से इस दुनिया पर है और वो लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट को सफल करने में। तो शुरू से बताता हूँ डिटेल में। गुरु सुप्रीम यास्किन एक साइंटिस्ट होता है जिसको वेद और पुराण की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है और वो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब इंसानों ने परमाणु वॉर करी थी तो सुप्रीम यास्किन ने अपना कॉम्प्लेक्स बना दिया इस दुनिया के रिसोर्स को बचाने के लिए, जैसे इंसान, पेड़, हवा, पानी। मगर पानी, पेड़, हवा, एनिमल को तुम बचा तो लोगे, अगर इस दुनिया में इंसान ही नहीं बचेंगे तो इन सबका फायदा क्या? और यही सोचकर सुप्रीम यास्किन लग जाता है एक ऐसा डीएनए ढूंढने में जो इंटेलिजेंट हो, जिसके अंदर सुपर पावर हो, जो लिटरली अमर हो। मगर ऐसा कौन था जिसके पास ये सब कुछ था? भगवान कृष्णा। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ जाता है कि सुप्रीम यास्किन को भगवान कृष्ण का डीएनए मिला कैसे? शायद सुप्रीम यास्किन को भगवान कृष्ण का वो शरीर मिल गया हो जो हमको कभी दिखाया नहीं गया कि उनके जाने के बाद उस शरीर को हुआ क्या, और शायद इसी वजह से सुप्रीम यास्किन उस फॉर्मूले को बनाने में सफल भी हो जाता है और उस प्रोजेक्ट को नाम देता है प्रोजेक्ट के का। उस टाइम तक सुप्रीम यास्किन एक अच्छा साइंटिस्ट होता है, मगर उस टाइम पर सुप्रीम यास्किन को ऐसा लगा होगा कि भगवान ने मुझे मौका दिया है उनके काम को आगे बढ़ाने का, और उसको उस टाइम पर ऐसा लगता है कि भगवान की पावर मेरे अंदर आ जाए तो फिर मैं पूरी दुनिया ही बदल दूंगा। और फिर सुप्रीम यास्किन उस फॉर्मूले से खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करता है जिससे वो करप्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर की सारी अच्छाइयां बुराई में बदल जाती है और कली उसके ऊपर हावी हो जाता है। और शायद उसके बाद से कली सुप्रीम यास्किन को कंट्रोल करता हो और कली ने सुप्रीम यास्किन को यह भी बता दिया हो कि भगवान कल्की का जन्म कैसे होगा और तुमको उनकी पावर कैसे मिलेगी और तुम कल्की को इस दुनिया में आने से कैसे रोक सकते हो। और इसी वजह से सुप्रीम यास्किन उस फॉर्मूले को सभी लेडीजों के पेट में इम्प्लांट करने लगता है जो प्रेग्नेंट हो सकती है, और उस फॉर्मूले के बाद वो प्रेग्नेंट होती है और फिर सुप्रीम यास्किन उनके गर्भ से एक सीरम निकालता है जिससे उसको पावर मिलती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ जाता है, क्या ये एक्सपेरिमेंट बस एक ही बार सक्सेसफुल हुआ है जो हमें मूवी में दिखाया है? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट 3 बार सक्सेसफुल हुआ है। कंफ्यूज हो गए ना, चलो समझाता हूँ। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था जिससे सुप्रीम यास्किन अच्छा साइंटिस्ट से बुरा हो गया, उसकी सारी अच्छाई खत्म हो गई, बुराई में बदल गई। और सेकंड भैरवा। हाँ गुरु, भैरवा, क्योंकि हमको कल की 2898 एडी मूवी में ये तो दिखाया गया है कि भैरवा करण का रीइंकार्नेशन है, मगर उसका जन्म कैसे हुआ और कहां हुआ और उसके माता पिता कौन थे हमको पूरी मूवी में कहीं नहीं बताया है। और एक वजह ये भी है क्योंकि उस टाइम पर कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेग्नेंट होना एक चमत्कार था, और जब भैरवा अपनी स्टोरी बताता है तो वो यही बताता है कि जंग ने मुझे अनाथ कर दिया। अब उस टाइम पर कौन सी जंग थी? भैरवा के माता पिता के बीच में और कॉम्प्लेक्स वालों के बीच में। और जब ये बात भैरवा को पता लगेगी तो शायद वो अश्वत्थामा की टीम में आ जाए, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। जिस दिन उसे कॉम्प्लेक्स की असलियत पता लग गई, ये अपने माँ बाप की असलियत पता लग गई, ये खुद की असलियत पता लग गई, तो वो उस टाइम से कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना छोड़ देगा। और तीसरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कब हुआ था, इसके ऊपर तो कल की 2898 एडी का पूरा प्लॉट है भाई। तो ये बात तो साबित हो गई ना कि मैंने जो थ्योरी बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो जल्दी इस बात पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जल्दी जल्दी कर दो यार। इस मूवी को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं सब तुम्हें बताता रहूंगा टाइम से, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।